हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मिस्टर पेपर प्रियो बोर्ड। दोस्तों साइंस का पेपर लैके आए दोस्तों जमा दसवीं। इस तरह ताड़े भी पेपर स्कूल से तैयार करोगे दोस्तों। छः पेपर आए थे दोस्तों, एक लिखती वाला सी तैयार किया, बाकी इदा ही मैं सारे सॉल्व करके ताड़े पाते हो। कोई भी क्वेश्चन आ जाए छोड़ो ना, ठीक है? सारे मिलते जुलते वैसे क्वेश्चन से, सो स्टार्ट कर दे आप बिना टाइम वेस्ट किए। हाँ जी, प्रश्न कुछ का साढ़े शरीर हो रही डैश क्रिया ताप निकासी है। हाँ जी, कि क्रिया? मालिका, सा क्रिया, ए प्रचलन या दिलदा? सो बी ऑप्शन है जहाँ राइट आंसर, सा क्रिया। ठीक है जी, अगे। हाँ जी, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप पढ़ लो, कर लो। दूसरा, CaOCl2 का साधारण नाम की है? हाँ जी, जिप्सम, कास्टी सोडा या बेचिंग सोडा या बेचिंग सोडा पाउडर। ठीक है, इधर राइट आंसर बंचिंग सिंह पाउडर या बंचिंग पाउडर। डी नहीं, क्रस्टिंग देख लो दोस्तों, सी च डी च कन्फ्यूजन, एक बार एक बार देख लो। ठीक है जी, देख के दस ही देना। हाँ जी दोस्तों, इधर जो देख लो एक बार, वैसे मैं सी लगता पे, ठीक है, इधर मैं कन्फर्म नहीं है, एक बार देख लियो। हाँ, टीचर से भी पूछ सकते हो। तेजाब की धात नाल क्रिया होने दे केड़ी गैस पैदा होंगी है? हाँ जी, केड़ी गैस तेजाब धात नाल क्रिया कर दी, तो तुम सारे ने पता होना, हाइड्रोजन गैस। सो बी ऑप्शन H2। ठीक है, H2 सिंबल होंगे हाइड्रोजन का। हेठ लिखा बिचों केड़ी अधात चमकदार है? हाँ जी, अधात पूछी दोस्तों। हाँ जी, कि नाइट्रोजन, ए ऑप्शन की है सल्फर, बी ऑक्सीजन, सी नाइट्रोजन, डी आयोडीन। सो अधात चमकदार है, सल्फर, आयोडीन या ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो है नहीं दोस्तों, सो नाइट्रोजन लगता है, एक बार देख लो भी, नाइट्रोजन वैसे है। ठीक है, अगे आ जाता अपना क्वेश्चन आवला 5। CH4 अणु विच किन्ने सहयोग बंधन हैं? हाँ जी, किन्ने आ सहयोग बंधन? 11, 12, 13 या 6? इहदा 11 बंधन। हाँ जी, किन्ने बंधन आ CH4? 3 दोहरा या 6? सो मैं लग रहा इहदा आंसर तीजे सैनिक च 4 ही लगना चाहिए। ठीक है, एक बार देख लियो बी ऑप्शन। समूह 18 तत्तां नूं की कहिंदे हन? हाँ जी, 18 तत्तां नूं ग्रुप, नोबल गैसा की आ, साधारण तत्त, हैलोजन की कहिंदे दोस्तों इहनूं? बी सी ऑप्शन तो डी है नहीं। हाँ जी, सी ऑप्शन में दसना, नोबल गैसा या साधारण तत्त या हैलोजन। ठीक है, इधर राइट आंसर मेरे ख्याल है नोबल गैसा, हो नहीं सकता साधारण तत्त भी नहीं कहते समूह नो। आई थिंक सी ऑप्शन हैलोजन, बस सी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। हाँ जी, मनुखी शरीर का आम हालातों में खून का दबाव कितना होता है? हाँ जी, आम हालातों में खून का दबाव 110 वाला। ठीक है, अगला सी ऑप्शन लेना चाहिए, 110, 120 तो 70, 110 तो होना सी अगला। ठीक है जी, ATP का पूरा नाम की है? हाँ जी, ATP का पूरा नाम, हाँ जी, ID नेक्स्ट ट्रैफिक नहीं, एनमो ट्रैफिक एडोनेस्ट। सो यदा भी देख लियो एक बार। ठीक है जी, ठीक आंसर ना पता लगे दस दियो, मैं फिर दोबारा तो एक लभ के दसूँगा। ठीक है, इनू मनुखी शरीर में गुणसूत्र की गिनती किन्नी है? हाँ जी, किन्नी गिनती है दोस्तों? हाँ जी, 23 जोड़े आप पढ़े आ पिछले पेपर से भी आए थे, किन्ने 23 जोड़े, मतलब 46 गुणसूत्र 23 जोड़े आ। आशावन अवन अनुवंशिकता का पिता किस नूं कहा जाता है? हाँ जी, अनुवंशिकता का पिता मुलर, मैडल या ला मार्क्सो, मैंडलव। ठीक है, बी ऑप्शन है जिन्हें करिए। हाँ जी, अगला, मनुख अख विच केड़ा लेंज हुंदा है? हाँ जी, उत्तल लेंज, अवतल लेंज, दोवें लेंज। सो दोवें लेंज हुंदा, ठीक है, उत्तल भी अवतल भी। लेंज की शक्ति की SI इकाई केड़ी है? हाँ जी, मीटर, सेंटीमीटर, डायोप्टर या वाट। सो डायोप्टर। ठीक है जी,
हाँ जी अगला आ जाता क्वेश्चन अपना 13वां हेठ दित्तियां विचों केड़ी अनइच्छित क्रिया नहीं है। ए ऑप्शन उल्टी उल्टी दा आना अगे की आ नार दा बन्ना दिल दा धड़कन। हाँ जी हाँ जी अगे चबाना सो डी ऑप्शन इज राइट है ना चबाना ये कि अनिश्चित क्रिया नहीं है इच्छित अपने अनुसार आप इच्छा करेंगे फिर चबा सकते तो नहीं ठीक है। हाँ जी अगला क्वेश्चन 14वां हेठ लिखिया बिचों किस दा सब तो वध कैलोरिक मुल है। हाँ जी किस दा है एल पी जी का सी एन जी का हाइड्रोजन या पेट्रोल का। सो एल पी जी या सी एन जी ज़्यादा तौर पर एल पी जी वरती जाती सो एल पी जी ठीक है जी। अगला सोलर कुकर का किहड़ा हिस्सा ग्रीन हाउस प्रभाव लई जिम्मेवार है। हाँ जी बक्से का अंदरला काला रंग दर्पण सोलर कुकर की बाहरले हिस्सा कच की सीट। सो यदा कच की सीट आनी चाहिए मेरे ख्याल यदा भी एक बार देखना पैना दोस्तों ठीक है देख लियो। हाँ जी ओजन का अनवी सूत्र की होंदा है। हाँ जी ओजन का तुहानू पता होना ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन का बनया होंदा सो O3। 17वां क्वेश्चन हाँ जी चिपको अंदरूलो 1970 ईस्वी गढ़वाल दे केड़े पिंड तो शुरू हुई सी। सो यदा पता नहीं दोस्तों तुसी देख लियो एक बार टिहरी रैनी यदा देखना पैना एक बार। हाँ जी दोस्तों सो यद देख लियो यदा आप अगे कर लें आप वाला क्वेश्चन आप सारे करें लंबे हुए ताकि सहूलत लिए पेपर कराए बस सेम क्वेश्चन आ रहे मिलते जुलते मैक्सीमम क्वेश्चन ठीक है जी। सो स्टार्ट करते हैं जल्दी हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन जंगल अते जंगली जीवों का रक्षा करना क्यों जरूरी है। वैसे किन्नी बारी कर चुके दोस्तों फिर भी ताकि सहूलत लिए कर देने आए क्वेश्चन से दोस्तों इन्ने पॉइंट है कोई भी लिख दियो 3-4 जिमें कुदरती कुदरत परिस्थितिक संतुलन बनाई रखने लिए जीन पूल की रक्षा लिए फल मेवे सब्जियां अते दवाइया प्राप्त करने लिए इमारती अते जलाउन वाली लकड़ियां प्राप्त करने लिए वातावरण में गैस का संतुलन बनाई रखने लिए। तो अगला हैगा तुसी अगला 7वां पॉइंट कर लेने आप भूप खोर अते हड़ा नियंत्रित करने लिए जंगली जीवों नूं आसरा देने लिए धन प्राप्त के चंगे स्रोत के रूप में स्थली भोजन लड़ी की लगातार लई ते प्राणियों की प्रजाति नूं बनाई रखने लिए ठीक है जी। बहुत है अगे हो हाँ जी नैक्सट क्वेश्चन की 19वां अपना ऊर्जा के बदया सोमे के की गुण हो सकते। हाँ जी मैं तुम बोल के दस देना। हाँ जी ऊर्जा के बढ़द्या सोमे केड़े आ बस बहुत बड़ी पढ़ चुका दोस्तों जेडे कि अपन आसानी प्राप्त हो जाए जिदा मुल भी घट हो ढोटवाई आसानी हो वधिया जले भी आ ठीक है तो घट मुल च मिल जाए अपन तो बस इन्ना ही बहुत है ठीक है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है बहुत है जी सूरज कुकर लई केड़ा दर्पण अवतल या उत्तल दर्पण तो बधेरे ढुकवां हुंदा है। हाँ जी तुहानू सारे नूं पता होना सूरज कुकर लई अवतल दर्पण मेरे ख्याल ना बधेरे ढुकवां हुंदा है कि क्योंकि आपां देख लैणे अपने कोल है आंसर इस तरह सूरज कुकर जो देख ही सकते इदा हुंदे दोस्तों ये दोस्तों जो हों ना ज मेरे ख्याल अवतल लैना दोस्तों जोड़ा कि सूरज के प्रकाश में इकट्ठा करके जोड़ा कि कुकड़ तापमान बढ़ा देता है ठीक है इसलिए उपतल लैना ये की लिखा हुआ तो एक साफ किया है बक्सा सूरज कुकड़ की रचना गतिविधि वर्णन करना दोस्तों तो मैं तुम्हें डायग्राम दिखाने ले रहा मेन इतने आप। हाँ जी अगले है दो तत् जिन्हों के बारे सैल में एक एक इलैक्ट्रॉन हैं। हाँ जी हीलियम हो गया एक तो नहीं हीलियम नहीं आ सकता हाइड्रोजन हाइड्रोजन हीलियम हाँ जी हीलियम हो गया तो एक बाली सेल दो सेल मौजूद हैं। हाँ जी हीलियम उस तो बाद नहीं हीलियम हो सकता बाली दो सेल मौजूद हैं एक एक इलैक्ट्रॉन दो तत्तों के एक जिन्हें बाली सेल एक एक इलैक्ट्रॉन मौजूद हैं। लिथियम हो गया एक दोस्तों लिथियम हो जाएगा एक कि दो चाहिए सो दोस्तों ये भी देख लियो एक बार ठीक है। अगे कार्बन के वह दो गुण जेड़े हैं जिन्हों करके साढ़े आले दुआरे चार चौफेरे कार्बन के योजक बड़ी मात्रा भी दिखाई गई है। सो दोस्तों सारे क्वेश्चन किए तुम देख ही सकते हो कार्बन के उद्योग जेडे कि बहुत मैं तुम्हें सदा शब्द समझा दिना वैसे कर लिये हुए तो पेपर देख लो जो मैं पाए हुए हैं तो वह भी एक पेपर है वो तैयार किए मेरे ख्याल में। हाँ जी
सुझा देना कार्बन के उद्योग जोड़े है ना संयुक्त लड़ी बंधा तो चार संयुक्त है। तो लड़ी बंधा दोस्तों होंगे कि कार्बन ना चार जोड़े संयुक्त इन्नी है कि किसी ना भी जो किसी भी तत्व अपना संयुक्त बना सकते हैं। ठीक है, तो चार संयुक्त दोस्तों होने के कारण दोस्तों कई तत्वों के नाल ना असंयुक्त अपना लड़ी बंधा बना के दोस्तों तो वो जी की कहते हैं लड़ी बंधा बना सकता, इसलिए संयुक्त भी ज़्यादा होगी तो इसके कारक इसके यौगिक की वड्डी संख्या दिखाई देती है। ये हाइड्रोजन ना भी बना देता जो कार्बन है, तो हाइड्रोजन हो गया वो की कहता कार्बन हो कि बना ही बथेरे कैल्शियम ना भी बना लेता। हाँ जी बथेरे वैसे जो जो तत्व जो ये बना लेता। ठीक है जो अगे करते 28वां क्वेश्चन, पित्तल तांबे के बर्तना में दही खट्टिया वस्तुआं क्यों नहीं रखनिया चाहिए। हाँ जी दोस्तों पित्तल तांबे के बर्तन दही खट्टिया वस्तुआं इसलिए नहीं रखनी चाहिए दोस्तों क्योंकि दही खट्टिया वस्तुआं में तेजाब मौजूद होते हैं जेडे कि पित्तल तांबे के बर्तना के नाल क्रिया करके की करते हैं। हाँ जी जहरीले पदार्थ बनाते हैं जेडे कि असीं खावांगे तो बीमार हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए पित्तल तांबे के बर्तन में दही खट्टिया वस्तुआं नहीं उगाई जाती। हवा में जलाने तो पहला मैगनीशियम रिबन साफ क्यों खींचा जाता। बहुत बारी पढ़ चुके वैसे ये भी पढ़ लें, वैसे पेपर च फस्ट बारी इतने क्वेश्चन आया। हाँ जी हवा जलाने तो पहला मैगनीशियम रिबन को साफ किया जाता है क्योंकि हवा जला कई समय रखे रहने कारण उस मैगनीशियम ऑक्साइड की परत जम जाती है, इसलिए उस मैगनीशियम जो कि जलन में मैगनीशियम रुकावट रुकावट करता करती है। मैगनीशियम रिबन को सही तरह जलाने लिए उस रुकावट को दूर करने लिए दोस्तों मैगनीशियम रिबन को जलाने तो पहले साफ की जाती है। ठीक है, बड़े सौखे क्वेश्चन मैंने तो पढ़ता पढ़ा पढ़ा के मैंने क्वेश्चन याद हो गए। अगला क्वेश्चन, विस्थापन और दोहरा विस्थापन क्रिया में की अंतर। हाँ हाँ जी दोस्तों विस्थापन क्रिया वो होंगी है दोस्तों जोड़ा कि एक बद एक बद क्रियाशील हो जाए एक घट क्रियाशील हो गए एक विस्थापित करके उसका स्थान प्राप्त कर ले। तो दोहरा विस्थापन क्रिया मतलब एक दो बद क्रियाशील पदार्थ दो घट क्रियाशील पदार्थ में अपना एक दूसरे का स्थान प्राप्त कर ले तो उसको दोहरा विस्थापन क्रिया कहते हैं। ठीक है जी, अगला कर देने आप सारे क्वेश्चन थानू करा कराए गए, वैसे कराए सारे क्वेश्चन दोस्तों इसलिए क्वेश्चन मैंने भी याद हो गए, जोड़े क्वेश्चन नहीं है तो मैं दस ही देना। किसी पानी क्यों बिजली चालन नहीं जबकि मीत का पानी है। हाँ जी दोस्तों मैं तुम शोर्ट च दस देता आंसर तुम्हारे सौखा दे। किसी तत्व पानी का बिल्कुल शुद्ध रूप है जिस करके इस विच कोई अशुद्धियां नहीं खुलिया होंगे जिसके कारण इस विच कोई भी आयन नहीं बनते हैं एन एच प्लस आयन नहीं बनते हैं, इसलिए किसी का पानी बिजली का चालन नहीं करते दोस्तों। अगला मीह का पानी दोस्तों दस दें, मीह का पानी में कई प्रकार की अशुद्धियां खुलिया होंदिया हैं जिस कारण इस विच एच प्लस आयन बनते हैं इसलिए मीह का पानी बिजली का चालन करती है। ठीक है जी, अगे करते आप साडे मैदे में तेजाब की भूमिका की है। हाँ जी साडे मैदे में तेजाब बैक्टीरिया मारती है की कहता कि जन्म बैक्टीरिया मारती तो देखना पड़ा इन बैक्टीरिया ना पता बैक्टीरिया मार के एंजाइम कुछ है एंजाइम तैयार कर दिए देख देखते आप दोस्तों की है। देख सकते दोस्तों तेजाब हाइड्रोक्लोरिक तेजाब एक अजिहा माध्यम है जिस दा नाल पेप्सिन एंजाइम नू सरल तरीके नाल भोजन विच पचाउण विच सहायता करदे है, मतलब बैक्टीरियल मार्कर भोजन प्रजाम विच कीड़े करदे पेप्सिन एंजाइम मैं तो ही कह रहा एंजाइम दा तो सो के तुहानू दस दिंदा कि जिहड़े कि साडे जिहड़ा साडे मैदा की आ बैक्टीरिया नू मारदी है तां पेप्सिन एंजाइम सरल रूप ते जिहड़े भोजन पचाउण लई तैयार करदे हन। ठीक है जी दोस्तों अगे करिए अगला क्वेश्चन आया दोस्तों, आधुनिक आवृत्ति सारणी मैडलेम के आवृत्ति सारणी में तत्ता के तरतीब की तुलना करो। आधुनिक आवृत्ति सारणी में की है दोस्तों कि अज हुण तक दोस्तों 118 तत्व खोजे जा चुके हैं पर जो मैडलेम ने खोजा से बस उसके दोस्तों किन्ने ही 56 तत्व है पर उन्होंने किड़ा कितने एक तत्व में जो 8वें तत्व के गुण समान से बट एलसीएम तो बाद होर तत्व समान नहीं आ रहे थे गुण अलग ही सी। सो आप करते हैं थोड़ा विस्तार न चलते हैं असं दोस्तों भिन्न क्यों हाँ तुम देखना मैडलेम की आवर्ती सारणी के आधार पर पुंज है पुंज आधार परमाणु पुंज है जदों की मोसले ने आधुनिक आवर्ती सारणी
ਦੀ ਪਰਮਾਣੂ ਸੰਖਿਆ ਆਧਾਰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਆਧੁਨਿਕ ਸਾਰਨੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂਡਲੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਾਰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਦੀ ਤਰੁਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਧੁਨਿਕ ਆਵਰਤੀ ਸਾਰਨੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਮ ਸਥਾਨਿਕ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2, ਆਰਗਨ ਅਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਪਰਮਾਣੂ ਸੰਖਿਆ ਲੜੀਵਾਰ 18-19 ਹੈ। ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਹੋਈ ਪਰਮਾਣੂ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰਨ ਆਰਗਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਦਾ ਸਥਾਨ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਪੁੰਜ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਸਾਰਨੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਧੁਨਿਕ ਸਾਰਨੀ ਵਿੱਚ ਤੱਤਾਂ, ਨੋਬਲ ਗੈਸਾਂ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਧੁਨਿਕ ਸਾਰਨੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੱਤ ਦੇ ਗੁਣ ਆਵਰਤਤਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਸ ਇੰਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕਰ ਲਏ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿੱਧਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆਪਾਂ? ਸੂਜੀ ਕੁੱਕਰ ਵੱਲ ਕੀਤੇ। ਓ ਯਾਰ, ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆਪਾਂ? ਇੱਧਰ ਰਹਿ ਗਏ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਬਿਜਲੀ ਸਰਕਟ ਤੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸੂਰਜ ਕੁੱਕੜ ਵਾਲੇ ਕਰ ਲਏ ਸੀ ਵੈਸੇ, ਦਰਪਣ ਅਬਤਲ ਦਰਪਣ ਵਾਲੇ। ਬਿਜਲੀ ਸਰਕਟ ਤੋਂ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਕਰ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ। 2 ਮੀਟਰ ਫੋਕਸ ਦੂਰੀ ਕਿਸੇ ਅਬਤਲ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦਾ ਹੈ ਨਾ 0-0.5। ਕਿਸੇ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ ਨੀਲੇ ਦੀ ਥਾਂ ਕਾਲਾ ਕਿਉਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸਤੋ ਪੁਲਾੜ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਖਿੰਡਾਓ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ ਨੀਲੇ ਥਾਂ ਕਾਲਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਥਰਾਟ ਕੀ ਹਨ? ਇਹ ਜੀਵ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ? ਸੋ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੋਸਤੋ ਇਹਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਣਾ ਪਥਰਾਟ ਜਾਂ ਫਾਲਿਸ। ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਜੰਤੂਆਂ ਦੇ ਕਠੋਰ ਭਾਗਾਂ ਜਾਂ ਚਟਾਨਾਂ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਭੱਜਣ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਿਸਾਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਚਟਾਨਾਂ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਥਰਾਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਫਾਲਸੀ ਲਾਤੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪੁੱਟ ਕੇ ਕੱਢੀ ਹੋਈ ਵਸਤੂ, ਜਿਵੇਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਅਤੇ ਹੱਡੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਜਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਪੰਜੇ ਜਾਂ ਪੰਜਿਆਂ ਦੇ ਛਾਪੇ ਹੋਏ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਰੇ ਪਥਰਾਟ ਹਨ। ਇਹ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਕਰੀਏ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਤੁਰਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹਨ? ਸੋ ਇਹਦਾ ਕਰ ਲਿਓ ਦੋਸਤੋ, ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ। ਵੈਸੇ 2 ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੱਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸੈੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਾਰੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਰਬਨ ਲਾਵੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਪਿੱਤਲ ਅਤੇ ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਬਰਤਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਪਿੱਤਲ ਅਤੇ ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਬਰਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਈ ਤੇ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਦੱਸੇ, ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਦੋਸਤੋ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਛੱਡ ਗਏ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਕਰ ਲਏ। ਕਸੀਦਤ ਪਾਣੀ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਮੈਦਾ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਆਇਰਨ ਯੁਕਤ ਲੂਣ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਿਉਂ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ? ਹਾਂਜੀ, ਆਇਰਨ ਯੁਕਤ ਲੂਣ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਦੋਸਤੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗਿੱਲੜ ਦਾ ਆਇਰਨ ਜਿਹਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਰੋਗ ਹੁੰਦਾ? ਗਿੱਲੜ ਦਾ ਰੋਗ। ਇਸ ਲਈ ਆਇਓਡੀਨ ਯੁਕਤ ਨਮਕ ਖਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਦੋਸਤੋ, ਸੌਖਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਯਾਦ ਕੀਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕੇ ਦੋਸਤੋ। ਹਾਂਜੀ, ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਸਮੇਂ ਲਾਲ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਦੋਸਤੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਦੋਸਤੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਅਸਥਾਈ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਸੂਰਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਤਰੰਗ ਲੰਬਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆ ਉਹਦਾ ਕਿੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਵੱਧ ਤਰੰਗ ਲੰਬਾਈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਾਲ ਰੰਗ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸੂਰਜ ਸਾਨੂੰ ਲਾਲ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਸੂਰਜ ਵਿੱਚ 7 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਗਲਾ ਕੁਸ਼ਚਨ ਆਪਣਾ, ਚੁੰਬਕੀ ਰੇਖਾਵਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਸੂਚੀ ਬਣਾਓ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਲੈਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਠੀਕ ਆ, ਅਤੇ ਓਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਸੋ ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਓਜ਼ਨ। ਹਾਂਜੀ, ਓਜ਼ਨ ਦੋਸਤੋ ਉਹ ਆ, ਓਜ਼ਨ ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਤੋਂ 25-30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਓਜ਼ਨ ਪਰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਸਤੋ। ਇਹ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੈਰਾ ਬੈਗਨੀ ਵਿਕਰਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਅਤੇ ਓਜ਼ਨ ਪਰਤ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੋਸਤੋ ਕਲੋਰੋਫਲੋਰਕਾਰਬਨ ਗੈਸਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਦੇ 6 ਹੋ ਰਿਹਾ,
ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਧੂੰਆਂ ਦੇ ਪਰਖਣ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਅਗਲਾ ਦੋਸਤੋ 5 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕੁਸ਼ਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਦੇ ਤਾਤਾ ਦਾ ਤਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਲਿਖੋ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਦੋਨੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਣ ਲਿਖਣੇ ਦੋਸਤੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖ ਦਿਓ ਭੌਤਿਕ ਫਿਰ ਰਸਾਇਣਿਕ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਤਾਤਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭੌਤਿਕ ਗੁਣ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਕਠੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਦਤਾਂ ਕਠੋਰ ਅਤੇ ਤਿੰਨੇ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਤਾਂ ਖਜੀਣਯੋਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਆਦਤਾਂ ਖਜੀਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਤਾਂ ਕੁਟੀਨਯੋਗ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਆਦਤਾਂ ਕੁਟੀਨਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਤਾਂ ਕਲੋਰੀਨ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆ ਕਲੋਰਾਈਡ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਦਤਾਂ ਕਲੋਰੀਨ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਸੰਯੋਗ ਦੀ ਕਲੋਰਾਈਡ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਤਾਤਾ ਧਨ ਆਇਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਆਦਤਾਂ ਰਿਣ ਆਇਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਤਾਤਾ ਧਨ ਚਾਰਜਿਤ ਮਤਲਬ ਆਇਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਆ, ਧਨ ਚਾਰਜਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਆਦਤਾਂ ਰਿਣ ਚਾਰਜਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਤਾਤਾਂ ਲਘੂ ਕਾਰਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਆਦਤਾਂ ਆਸੀ ਕਾਰਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਆ ਸਕਦਾ ਦੋਸਤੋ ਪੁਆਇੰਟ? ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਪਤਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਹੋਰ ਆ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ 'ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਦੀ, ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ 'ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਠੀਕ ਆ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਹੁਤ ਆ ਪੁਆਇੰਟ, ਬਥੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਤਾ ਦੋਸਤੋ। ਠੀਕ ਆ, ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਕੁਸ਼ਚਨ ਆਪਣਾ ਜਾਂਦਾ, ਲੜਕੀ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹਨ? ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੀ ਕੁਸ਼ਚਨ ਵੈਸੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਆਪਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆ ਜਾਂਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਫਿੰਸੀਆਂ ਨਿਕਲ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਰੰਗ ਗੋਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਜਨਨ ਅੰਗਾਂ 'ਤੇ ਬਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਅੰਡੇ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਦੋਸਤੋ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਆ, ਅਤੇ ਛਾਤੀ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਂਮਾਰੀਆਂ ਦੋਸਤੋ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਲਿੰਗ ਪ੍ਰਤੀ ਉਲਟ ਲਿੰਗ ਪ੍ਰਤੀ ਖਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਖਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਜਾਂਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਦੋਸਤੋ? ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਾਂਚ ਕੋਈ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਜਾਂ ਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਦੋਸਤੋ, ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਜੰਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪੇਰਵਾ ਦਿਓ ਅਤੇ ਇਸ ਦੋ ਬਚਾਅ ਦੇ ਕੋਈ ਦੋ ਢੰਗ ਦੱਸੋ। ਸੋ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਜੰਗ ਲੱਗਣਾ ਦੋਸਤੋ, ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਆਇਰਨ ਜਾਂ ਲੋਹਾ ਕਹਿ ਦਿਓ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਭੂਰੀਆਂ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਦੋਸਤੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਜੰਗ ਲੱਗਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜੰਗ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਪੇਂਟ ਕਰਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਗਰੀਸ ਲਗਾ ਕੇ, ਤੇਲ ਲਗਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਜਿੰਕ ਦੀ ਪਰਤ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ, ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਕਰੀਏ। ਹਾਂਜੀ, 30ਵਾਂ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਲੜਕੇ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਦੌੜਾਨ, ਲੜਕੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਲੈ ਲੜਕੀਆਂ ਦੱਸੇ, ਅਤੇ ਸਵੇਮੀ ਆ ਵੈਸੇ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੜਕੇ ਆ ਉਹ ਮਾਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਖਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਲਿੰਗ ਪ੍ਰਤੀ ਖਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਲੜਕੇ ਸੇਮ ਹੀ ਜਾਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਵੈਸੇ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ, ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਆ ਗਿਆ ਦੋਸਤੋ ਬਿਲਕੁਲ? ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣਾ ਇਹ ਕੁਸ਼ਚਨ ਸੀ ਨਾ, ਲੜਕੇ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹੜੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇਣ? ਉੱਤਰ, ਨਰ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀਪਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਾੜੀ ਅਤੇ ਮੁੱਛਾਂ ਉੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਨਨ ਅੰਗ ਅਤੇ ਬਾਲ ਉੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਮੋਢੇ ਚੌੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਲਟ ਲਿੰਗ ਆਕਰਸ਼ਣ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੜਾ ਮਾਦਾ ਵਾਲਾ ਦੋਸਤੋ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਨੰਬਰ 1 ਜਨਨ ਅੰਗਾਂ 'ਤੇ ਬਾਲ ਉੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਛਾਤੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਸਲਤਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਲੀਆਂ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਚਰਬੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਲਟ ਲਿੰਗ ਪ੍ਰਤੀ ਖਿੱਚ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੀ ਦੋਸਤੋ, ਵੈਸੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਬਥੇਰਾ ਲਾਇਨ ਆ ਗੇਟ ਵਿੱਚੋਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਜਾਂਚ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਚਾਲਕ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਕਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਚਾਲਕ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ 3 ਕਾਰਕਾਂ ਉੱਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ। ਨੰਬਰ 1 ਪੰਜ ਪਰਿਖੇਤਰ, ਹਾਂਜੀ ਪਰਿਖੇਤਰ, ਕਾਠ ਖੇਤਰ ਐਂਡ, ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਚਾਲਕ ਦੀ ਲੰਬਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਭਵ, ਚਾਲਕ ਦੀ ਲੰਬਾਈ, ਕਿਸੇ ਚਾਲਕ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਚਾਲਕ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਨੁਪਾਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2 ਚਾਲਕ ਦੀ ਪਰਿਖੇਤਰ ਅਤੇ ਕਾਠ ਖੇਤਰਫਲ ਦੇ ਖੇਤਰਫਲ,
किसी चालक का प्रतिरोध उसके खेत्रफल के काट खेत्र के खेत्रफल का उल्ट अनुपाती होता है। अगला थर्ड है लास्ट चालक के पदार्थ के प्रकृति। किसी चालक का प्रतिरोध उस चालक के पदार्थों के प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है जी, इन्ना कैसी है आंसर। हाँ जी दोस्तों, अगे लास्ट आ जाता बिजली लैंपा के फिलामेंट निर्माण में एक टंगस्टन का उपयोग क्यों किया जाता है। आप पढ़िया भी है बिजली लैंपा में टंगस्टन का उपयोग इसलिए किया जाता कि दोस्तों क्योंकि बदाम वधिया, ठीक है, तो धात जोड़े टंगस्टन ही बनती है बिजली लैंपा। तो बाकी देख लेने पर थोड़ा जी व्याख्या कर। हाँ जी दोस्तों, इतने क्वेश्चन देखो तुम इन उपर कर लिए। हाँ देखो फस्ट इतने क्वेश्चन है ना, बिजली लैंपा फिलामेंट के निर्माण लिए उपयोग क्यों किया। सो उत्तर इतने लिखा हुआ क्योंकि टंगस्टन की उच्च प्रतिरोधकता और टंगस्टन का पिघलाव दर्जा होर धातों तुलना में बहुत उच्चा है, जिसलिए बिजली लैंपा के फिलामेंट के निर्माण लिए आम तौर पर सिर्फ टंगस्टन धातु का उपयोग किया जाता है। ठीक है जी, हो गया अपना। हाँ जी दोस्तों, मैं थानू अपने शब्दों से करा के जल्दी ही करा देता, 3 घंटे का पेपर बोल के सिर्फ अद्धे घंटे तो भी घट समय से दोस्तों हो गया। वैसे थोड़ा लिखना टाइम लगना दोस्तों, 3 घंटे का पेपर तुम लाइट लेना लियो। ठीक है, चंगी तरह तैयारी करियो। 6 पेपर लगभग मैं पाते हूँ दोस्तों, इन्हों में तुहाडा कोई पेपर आजूगा, इन्ना ही तुम देख लो चंगी तरह 6 पेपर तो बहुत वधिया नंबर आजूगा दोस्तों। ठीक है जी, तो पूरा वाला फुल नंबर लेना, तो मैं कमेंट करके दस्यो बाद कितने नंबर तुहाडे आए। ठीक है जी, आपां तुहाडे नाल ही फाइनल एग्जाम तो पूरी तरह तैयारी करावांगे। ठीक है जी, ऑल सबजैक्ट दे। ठीक है, सो मिलते हैं नैक्सट वीडियो में।